हेलो माय फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो चैप्टर थ्री चल रहा था नाइस बायोलॉजी चैप्टर थ्री किंगडम प्लान्टई एंड एनिमिलिया का ये लास्ट पार्ट रहने वाला है दैट इज़ दी पार्ट टेन ठीक है तो इसमें हम जो कुछ क्लासेस जो बच रही थी फ़ाइलम कॉडेटा की जैसे कैम्फीपिया रैप्टीलिया एब्स और मेमिलिया ये सारी जो क्लासेस हैं वो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने जो है वीडियो को लाइक भी कर कर जाइएगा ठीक है तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में मैं हूँ आपका दोस्त अरुण देखिए आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस कि जो क्लास है वो ऑलरेडी एक हफ्ते लेट चल रही है ठीक है एक हफ्ते लेट है क्लास ठीक है मगर चिंता मत कीजिए मैं कवर अप करा दूंगा पूरी बायोलॉजी ठीक है टेंशन मत लीजिए आप ठीक है तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को अब देखिए यहाँ पर अगर हम एम्फीबिया की बात करें जो एम्फीबिया क्लास है ना जैसे कि हमने पढ़ा था कॉडेटा में काफ़ी सारे जो क्लासेस हैं वो आती हैं उसमें से एक क्लास है एम्फीबिया ठीक है तो यहाँ पर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं अब एम्फीबियंस के बारे में अगर हम बात करें तो एम्फीबियंस जो होते हैं एम्फीबियंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलते हैं कि वो दोनों जगहों पर रह सकते हैं दैट इज़ दी कि वो लैंड पर भी रह सकते हैं और वो पानी में भी रह सकते हैं इसलिए इनको एम्फेबिया यानी डुअल और बायो मतलब लाइफ दो लाइफ ये जी सकते हैं लैंड पर भी और कहाँ पर ये पानी में भी रह सकते हैं इसलिए इनको एम्फीबियंस बोला गया है इनके जो लिम्स होते हैं वो दो पेयर होते हैं जिसमें एक तो फोर लिम्ब होते हैं और एक हिंड लिम होते हैं ठीक है इनकी जो बॉडी होती है वो डिविजिबल होती है हेड में और ट्रंक में ट्रंक आपको पता ही है ठीक है एक सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी ठीक है अब टेल जो है कुछ में प्रेजेंट होती है कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है वो हम अभी देखेंगे ठीक है अब उन इनकी जो स्किन होती है ना वो मॉइस्ट होती है इनके ऊपर कोई भी स्केल नहीं पाए जाते हैं अब ये स्केल्स क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है जैसे कि फेस के ऊपर ऊपर जो है स्केल्स पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर ठीक है इनकी जो आईज में आई भी पाए जाते हैं ठीक है देखिए जैसे कि हमारे कान होते हैं ना हमारे जो है ना प्रो, प्रोटोडिन आउटसाइड जो है ना एक तरीके से एक्सटर्नल एयर है ठीक है अब यहाँ पर जो है ना एयर नहीं होते हैं यहाँ पर होते हैं टेम्पनम ठीक है टेम्पनम एक कहीं ना कहीं एयर का ही काम करता है ठीक है और यहाँ पर ये इसी से कहीं ना कहीं सुनते हैं और यानी हियरिंग जितनी भी पावर होती है ना वो यहीं पर ये चीज़ काम करती है अभी मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है चिंता मत कीजिए आप जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी ब्लैडर वगैरह और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ये कहीं ना कहीं आगे जाकर एक जगह पर खुलती हैं ठीक है जिसको बोलते हैं क्लोकियाल या क्लोका जिसे हम बोल देते हैं ठीक है जो कहीं ना कहीं एक्सटीरियर में ओपन होती हैं अब ये जो रेस्पिरेशन करते हैं वो गिल्स के द्वारा लंग्स के द्वारा स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं ठीक है चलिए तो फिर आगे चलते हैं अब ठीक है देखिए यहाँ पर देखिए ये है क्लोइका ठीक है जहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे के पूरे सिस्टम है वो यहाँ पर ओपन होते हैं ठीक है चलिए अब यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो माउथ फ्रेंक्स और ईसोफेगस स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन रैक्टम और एनस इसी में आते हैं सारे के सारे ठीक है ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए देखिए मुझे तो ये सारी चीज़ पता है बट हाँ आपको जानकारी भी तो होनी चाहिए ना इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब इनका जो हार्ट होता है वो थ्री चैम्बर्ड होता है मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रोकोडाइल होता है उसका कितने चैम्बर का हार्ट होता है ठीक है यानी प्रोकोडाइल एक जो है ना एक ऐसा वो है रेप्टाइल जिसका जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर का होता है ठीक है जैसे कि ह्यूमंस का होता है ठीक है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं कोल्ड ब्लडेड आपको पता ही है ठीक है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जो कहीं ना कहीं अपने जो टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर को कहीं ना कहीं रेगुलेट नहीं कर पाते हैं ठीक है <coughs> अब यहाँ पर हम बात करें तो इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं ये इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है ठीक है ये ओवी पेरस है और इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है ठीक है ये बूफो यानी टॉड एक मैडक है ठीक है और ये राना फ्रॉग ये भी एक मैडक है यहाँ पर हाइला ये ट्री फ्रॉग है सालमेंडर है ठीक <coughs> है इक्थोफिस है ठीक है और ये लिम्बलेस एम्फीबिया भी बोलते हैं इसको ठीक है मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये फ्रॉग है इसमें देखिए फ्रंट लेग यहाँ पर ये हो गए ये देखिए ये आप डिजिट देख रहे हैं ना उंगलियाँ बोलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ठीक उंगलिया है उंगलियाँ जैसे कि हमारे यहाँ डिजिट बोलते हैं ना डिजिट हैं ठीक है थीके? ये वैब है यानी जाला जिससे कहीं ना कहीं इनको पानी में तैरने के में मदद मिलती है ठीक है ये हिंड लेग है ये फोर लिम है फ्रंट लेग जिसे हम बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पर ये बैली है पूरी की पूरी ये बैली है ये ट्रंक आप देख रहे हैं यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी ये हैड ठीक है ये आई आप देख रहे हैं यहाँ पर ठीक है ये नो है ठीक है और यहाँ पर ये आप ये देख रहे हैं ब्लैक कलर का स्पॉट इस इसको बोलते हैं हम टेम्पनम ठीक है यहाँ पर यही कहीं ना कहीं काम करता है सुनने की पावर जो इनको प्रदान करता है ठीक है अब यहाँ पर ये ये हम देख रहे हैं इक्थोफिस ठीक है अब ये जो ना एक मॉइस्ट इनकी बॉडी होती है लचीली लचीलसी कहीं ना कहीं जो पाई जाती है कही ना कहीं ना कहीं जो मड होते हैं ना गीली मड गीली जगह वहीं पर ये पाई जाती हैं ये सांप की जैसे हमें देखने के लिए मिलती हैं ठीक है थीके? ये भी कहीं ना कहीं रें रैंक, रैंकती हुई चलती हैं ठीक है देखिए ये एग्जाम्पल है जो यहाँ पर आपको दे रखा है लिम्बलेस एम्फीबिया ठीक है जिनके लिम्स नहीं है हाथ पैर नहीं है ठीक है समझ में आ गया आपको बात चलिए तो यहाँ पर आगे आता है हमारा रेप्टीलिया इसमें जो रेप्टीलिया का मतलब ही होता है कि क्रीपिंग और क्रॉलिंग कहीं ना कहीं रिगड़ रिगड़ कर चलना यानी कहते हैं ना कि घुटने चलते हैं बच्चे ठीक है क्रॉलिंग करते हैं फिर कोई कोई पेट के बल में चलता है आपने देखा होगा अगर आप वीडियो वगैरह देखते हैं तो इह, आ, तो वहाँ पर जो है समुद्र में आपको काफ़ी सारे ऐसे जो एनिमल्स हैं देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि टर्टल हो गए टॉर्टोइ हो गए ठीक है या फिर क्रॉकोडाइल हो गए ठीक है तो वहाँ पर अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो ठीक है डिस्कवरी नेट जियो वाइल्ड ठीक है जिसे हम नेशनल जियोग्राफिक चैनल बोलते हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी जो टीवी में ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी ठीक है कहीं ना कहीं हमें जो ये नाम पता चलता है ना ये इनके मोड ऑफ लोकोमेशन जो है ना उससे हमें ये नाम पता चलता है कि हाँ ये रैपटे रैप्टाइल्स हैं ठीक है और ये क्रिपिंग करते, है करते हैं या फिर क्रॉलिंग करते हैं ठीक है ये बात आपको समझ में आए चलिए ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं ठीक है और ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं ठीक है इनकी जो बॉडी होती है वो ड्राई स्किन से कवर्ड होती है और एपिडर्मल स्केल्स भी पाए जाते हैं ऊपर यानी एपिडर्मिस जो होती है ना उसमें स्केल्स पाए जाते हैं काफ़ी मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ही प्रोवाइड कराते हैं स्केल्स तो आपको तो पता ही है मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो स्केल्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोवाइड कराते हैं ठीक है तो यहाँ पर इनके जो ओपनिंग होती है मतलब एयर जो है ना जैसे कि हमारे हैं ये ये हमारी तरह नहीं होते हैं ठीक है इनमें भी जो टिम्पनम जो होता है ना वो कहीं ना कहीं देखिए इसकी जो प्रोनाशिएसन है वो डिफरेंट हो सकती है ठीक है आपके अनुसार जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप बोल सकते हैं बट हाँ मैंने जैसे याद करी थी ना वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है थीके? टेम्पनम जो भी आप बोल सकें ठीक है तो ये यहाँ पर एयर का काम करते हैं इनके जो लिम्स होते हैं वो अगर प्रेजेंट हैं तो दो पेयर होंगे आगे और पीछे की साइड ठीक है अब इनका जो हार्ट होता है वो थ्री चैम्बर का होता है देखिए जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे ना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी आ, एनिमल्स जब हम पढ़ेंगे ना तब मैं आपको हार्ट के बारे में डिटेल में बताऊँगा ठीक है और फोर चैम्बर भी हो सकता है इनमें एक जो क्रोकोडाइल है जिसका फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है अदरवाइज जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें थ्री चैम्बर हार्ट हमें जो है देखने के लिए मिलता है ये भी पोइकुलोथर्मोल थम्स हैं ठीक है ये भी अपना जो टेम्परेचर बॉडी का वो रेगुलेट नहीं कर सकते हैं ठीक है यानी ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ठीक है स्नेक और लिजर्ड वो अपनी स्किन्स को जो है ना वो मोल्टिंग कर देते हैं यानी शेड कर देते हैं जब वो डेवलपमेंट होता है उनका जो डेवलपमेंट होता है यानी वो बड़पतवार में लगते हैं जैसे हमारे पाप बोलते हैं ना बड़पतवार में लगता है ठीक है या फिर लंबाई बढ़ रही है या फिर उनका शरीर बढ़ रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये ओवी पैरस होते हैं ठीक है जिसमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है ठीक है अब ये डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरू से आपको वीडियो देखकर आनी है ठीक है तो यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जांपल्स जैसे कि टर्टल ठीक है जो वाटर में पाया जाता है सिर्फ और टोटोइज जो सिर्फ लैंड पर पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द लाइफ जो है ना ये जो टर्टल होते हैं वो वाटर में बिताते हैं और जो टॉटइज़ होते हैं वो लैंड पर बिताते हैं ठीक है ट्री लेजर्ड गार्डन लेजर्ड ठीक है और पॉइजनस स्नेक वगैरह जैसे कि नाजा कोबरा और किरात और ये वाइपर ठीक है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ठीक है चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेप्टाइल्स में टर्टल ये टर्टल है ये वॉल वॉलिस है ठीक है बाकी सांप वगैरह मगरमच्छ वगैरह तो आपने देखे ही हैं ऑब्वियसली ठीक है मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ ठीक है चलिए अब हमारे आते हैं एब्स ठीक है एव्स एब्स ठीक है अब एब्स जो होते हैं ये वॉम ब्लडेड है यानी अपने जो बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख सकते हैं रेगुलेट कर सकते हैं ठीक है थीके? अब ये इसलिए इनको जो है ना वॉर्म ब्लडेड बोला जाता है और या फिर होम्योथर्मल बोल सकते हैं हम इन्हें ठीक है ये बात आपको समझ में आएगी इनकी जो बॉडी होती है वो फैदर्स यानी पंखों से कवर्ड होती है इनके शरीर पर जो काफ़ है काफ़ी सारे पंख होते हैं जैसे कि पिजन हो गया पिकॉक हो गया या ऑस्ट्रिच वगैरह ये सारे जो है ना कहीं ना कहीं वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जिनको हम एब्स में कंसिडर करते हैं ठीक है इनकी जो शरीर पर स्किल्स तो होते हैं मगर वो भी हैंडलिम्स मेंए जाते हैं यानी हिंड लिम्स यानी पीछे के पैरों में जिनसे ये कहीं ना कहीं चलते हैं पकड़ते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं ठीक है थीके? इनकी जो पूरी पूरी बॉडी होती है वो तीन पार्टों में डिवाइडेड होती है हेड नेक और ट्रंक ठीक है ट्रंक यानी टेल पीछा का यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी ऊपर का हिस्सा या फिर सेंट्रल पार्ट का मान लीजिए ठीक है थीके? जो काफ़ी बड़ा होता है ठीक है इनके जो जॉ होते हैं उनमें बीक एक चौंक पाई जाती है और इनमें टीत नहीं होते हैं ठीक है हिंडलिम में फोर डिजिट पाई जाती हैं ठीक है जो कहीं ना कहीं वॉकिंग के स्विमिंग के और पर्चिंग के काम में आती हैं इनकी जो बोन्स होती हैं उनमें इनके अंदर जो ना स्पेस होता है यानी खाली होती है खोखली होती है अंदर जैसे कि हमारी जो बोन्स होती है ना वो अंदर से खोखली होती है उनमें एक फ्लिड टाइप का भर जो है ना भरा रहता है फ्लूड टाइप का ठीक है तो इसी तरीके से इनकी भी बनी होती हैं तो खोखली होने के कारण क्या होता है कि इनका जो वजन है ना काफ़ी हल्का हो जाता है और वो कहीं ना कहीं जो इनको उड़ने में मदद करता है ठीक है ये बात आपको समझ में में चलिए फोर फोर लिम्स लिम्स जो है ना विंग्स मॉडिफाइड होते हैं यानी आगे के जो हाथ होते हैं वो कहीं ना कहीं विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं और वो उन्हीं की सहायता से उड़ पाते हैं ठीक है फ्लाइट यहाँ पर लिख रखा है ठीक है इनका जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर का होता है जो कि कहीं ना कहीं इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के द्वारा होता है ठीक है विद एयर सैक्स ठीक है इनमें एक वॉइस बॉक्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं सीरिंग्स ठीक है जो कहीं ना कहीं ट्रैकिया और ब्रोंकी के बीच में यानी कहीं ना कहीं इंटरजैक्शन में पाया जाता है ठीक है जंक्शन में पाया जाता है वही कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं एक वॉइस बॉक्स बोलते हैं ऐसा तो वैसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं जहाँ से कहीं ना कहीं ये अपनी आवाज़ निकाल पाते हैं ठीक है लेफ्ट ओवरी प्रेजेंट होती है और ओवीडग प्रेजेंट होती है खाली फीमेल्स में ठीक है और यहाँ पर ये सारे के सारे जितने भी हैं ओवी पैरस होते हैं ठीक है यानी एग लाइन ठीक है यानी अंडे देते हैं और इनकी जो अंडे की जो ऊपर की कवर होती है वो कैल्सियस यानी कैल्शियम से बनी होती है ठीक है चले आगे चलिए अब यहाँ पर देखिए ये आप देख रहे हैं ये ब्लू ऑरेंज कलर की ये है ट्रैकिया ठीक है ये ब्रोंकस ठीक है इसके बीच में एक जंक्शन है जंक्शन है इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं सरिंग्स बोलते हैं जहाँ से कहीं ना कहीं आवाज़ ये पंछी निकाल पाते हैं ठीक है चलिए अब यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि स्ट्रोथी ऑस्ट्रेजिसे हम बोलते हैं एपस्ट्रिक्स ये सॉरी एप्ट्रिक्स ठीक है जिसको हम बोलते हैं कीवी और पावो जिसको हम बोलते हैं पिकॉक ठीक है ये साइंटिफिक नेम नेम है ठीक है और ये है <स्थाथ> कोलम्बा सॉरी ठीक है इसके ये पिजन ठीक है कॉर्वस कॉर्बस है क्रो ठीक है ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं ऑलरेडी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं मैमेलिया की यानी मैमल्स की बात कर लेते हैं ऑब्वियसली मैमल्स से आपको समझ में आना जा, आ जाना चाहिए कि यहाँ पर अब मैमरी ग्लैंड का काम आने वाला है ठीक है यहाँ पर इनकी जो बॉडी होती है वो भी हेयर के द्वारा कवर होती है जैसे कि वी हम हमारी जो बॉडी है वो हेयर के द्वारा कवर है हमारे जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं एप्स हुआ करते थे ठीक है अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी जो बॉडी हेयर से कवर होती है इनके अंदर जो ना मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है यानी दूध पिला सकते हैं अपने बच्चों को फीडिंग करवा सकते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पर इनकी इनके अंदर जो ना जो स्वीट और ऑयल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है स्किन में जब भी तो इनकी जो स्किन है वो स्वेटिंग भी कर सकती है और ऑयली भी हो सकती है ठीक है इनकी जो बॉडी होती है वो हैड नेक ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है किसी किसी में टेल प्रेजेंट होती है किसी किसी में नहीं होती जैसे कि यहाँ पर टेल की बात करें तो जो प्लेटिप है ना उसमें टेल प्रेजेंट होती है ठीक है प्रोजेक्टिंग एक्सटर्नल एयर इनमें एयर प्रेजेंट होते हैं ठीक है जिसे हम बोलते हैं पीना ठीक है अब हमने पीछे देखा कि एयर प्रेजेंट नहीं थे यहाँ पर डिजिट्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं यूजली क्लॉज में एंडिंग होती है उनकी यानी नाखूनों में ठीक है नेल्स होते हैं या फिर होफ्स होते हैं ठीक है पंजे या तो पंजे होंगे या फिर नेल्स होंगे या फिर ये होफ्स होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी डेंटिसियन इनके जो दांत जो होते हैं ना वो यानी जो जौ होता है ना जबड़ा उसमें धसे हुए होते हैं यानी सॉकेट होता है एक जबड़ा जिसमें ये धसे हुए होते हैं और जनरली हेटोडेंट है होते हैं यानी डिफरेंट प्रकार के होमोडेंट नहीं पाए जाते ठीक है एक जैसे नहीं डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के पाए जाते हैं इनकी जो नेक होती है उसमें सेवन वर्टिब्रेट ठीक है ये होमियोथर्मल है यानी ये भी वॉर्म ब्लड है ये भी अपने जो आ, बॉडी का टेम्परेचर है वो अगर कहीं भी जाते हैं तो उसको कांस्टेंट रख सकते हैं किसी भी एन्वायरमेंट में ही अपने आप को अडप्ट करवा सकते हैं ठीक है इनका जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड का होता है ठीक है अब इनकी इनके अंदर जो एब्डोमिनल में होते हैं जो टेस्टिस होती हैं वो एक्स्ट्रा एबडोमिनल होती है जैसे कि मेल और मेल में जो टेस्टिस पाई जाती हैं वो स्कॉटम में पाई जाती हैं ठीक है स्कॉटम यानी आउट ऑफ द एक्स्ट्रा एबडोमिनल बोलते हैं उसे ठीक है एबडोमिनल कैविटी के अंदर नहीं ठीक है तो स्कॉटल सैक उसे बोलते हैं इसमें ठीक है ये वीवी पैरस होते हैं यानी ये एक यंग वन को बर्थ देते हैं ठीक है थीके? और यहाँ पर जो फीटस होता है उसको नरिश करा जाता है मदर के द्वारा ठीक है प्लेसेंटा के थ्रू ठीक है प्लेसेंटा यानी जिसे हम नाल बोलते हैं हिंदी में ठीक है होप कि आप समझ गए होंगे ठीक है चलिए ये होन है ये है होफ ठीक है हमारे पास तो देखिए बिल्ली हो गई शेर हो गए तो उनके पास जो क्या होता है क्लॉ होते हैं यानी पंजा होता है हमारे पास नेल्स हैं इनके पास हुफ्स होते हैं इन जानवरों के पास ये भी मैमल्स हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब यहाँ पर मैम, मैमल्स को तीन भागों में बांटा गया है प्रोटोथेरिया ठीक है मैटाथेरिया और यूथेरिया अब प्रोटोथेरिया की बात करें जाए तो इनमें जो है ना एक्सटर्नल एयर नहीं पाए जाते हैं ठीक है अब मेटाथेरियम में एक्सटर्नल एयर पाए जाते हैं और यहाँ पर यूथेरियम में जो एक्सटर्नल जो एयर होते हैं वो वेल well डेवलप्ड होते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर जो टीथ होते हैं वो यंग में पाए जाते हैं ओनली ठीक है और यहाँ पर यंग और एडल्ट दोनों में और यहाँ पर भी यंग और एडल्ट दोनों में प्लेसेंटा यहाँ पर एबसेंट होता है और यहाँ पर कोई प्लेसेंटा होता ही नहीं है ठीक है जैसे कि यहाँ पर प्लेसेंटा यूथेरिया में पाया जाता है ठीक है यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड्स तो होती हैं प्रोटोथेरिया में मगर डिवाइड ऑफ निप्पल्स निप्पल्स नहीं होती हैं मगर मेमोरी ग्लैंड होती है ठीक है जैसे कि प्लेक्टिपस इसका एग्जाम्पल है डकबिल प्लेटिपस ठीक है अब यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है ठीक है मगर यहाँ पर एक मार्सुपियम होता है यहाँ पर जो बच्चा जन्म लेता है वो इमेच्योर यंग होता है जो कहीं ना कहीं आगे चलकर नरिश प्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ जो है ना इसको मार्सुपियन में मार्सुपियम एक पाउच का होता है जिसमें इसको सारी चीजें मिलती रहती हैं जैसे कि आपने देखा होगा कैंगरू ठीक है जिसे जो कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं ठीक है और यहाँ पर यूथेरिया में क्या होता है कि एक मैच्योर यंग वन जन्म लेता है ठीक है जिसको आगे मतलब एडल्ट भी बनता है सारी चीजें उसमें प्रोसेस जैसे कि हम हैं ठीक है अपने एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर ठीक है चलिए आगे चलते हैं ये कंगारू आप देख सकते हैं यहाँ पर और ये प्लाटिपस प्लेटिपस पैरी फिनियसन फब अगर आपने देखा होगा एक कार्टून शो आया करता था डिजनी चैनल पर ठीक है तो वहां पर जो है ना डिजनी एक्सडी डिजनी एक्सडी पर फिनियसन फप आया करता था ठीक है तो वहाँ पर जो है ना वो ये एक प्लेटिपस पैरी हुआ करता था प्लेटिपस पैरी से ठीक है और डोफिन्स बर्ड एक डॉक्टर हुआ करता था जो कहीं न कहीं आपस में दुश्मनी थी ठीक है और बाकी का आप कंगा यहाँ पर देख ही सकते हैं इसका ये जो पाउचर है यहाँ पर ये है ठीक है चलिए इनमें भी टेल पाई जाती है ठीक है देख सकते हैं आप ये टेल है यहाँ पर ठीक है चलिए इट इज़ जस्ट लाइक ट्रंक ठीक है तो यहाँ पर इसको यूथेरिया को भी काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है जैसे कि रोडेंटिया रोडेंटिया जो होते हैं वो हर्वी होते हैं और ये ज़मीन पर रहते हैं ठीक है हर्वी तो आप जानते हैं ना ठीक है चलिए कार्निवोर वोर ठीक है चलिए इन सीजन इनके लॉन्ग होते हैं ठीक है शार्प होते हैं और सीजन शेप के होते हैं ठीक है और इनके जो फोरलिम्स होते हैं वो हिंडलिम्स से शॉर्टर होते हैं ठीक है जैसे कि रैट और स्क्यूरल ठीक है ये स्कूल है गलैरी जिसको हम बोलते हैं ये एनसीजर देखिए दांत के टाइप में भी आपको पढ़ा देता हूँ आगे मैं आप, आपको बता नहीं पाऊंगा ठीक है ठीक है आपको याद रखने अभी इसी वीडियो में आगे याद रखने पड़ेंगे ठीक है एनसीजर इन्हें बोलते हैं जो आगे के दांत होते हैं ठीक है जो कहीं ना कहीं पकड़ने के काम आते हैं कैनाइन है इनको बोलते हैं जो नुकीले होते हैं दांत ठीक है जो, जो कहीं ना कहीं हमें देखने के मिलते हैं किसमें शेर वगैरह में ठीक है पोलर प्रीमोलर दांत ये होते हैं बीच के दांत ठीक है और ये मोलर दांत होते हैं इसके बाद हमारी आती है, है? वि, सॉरी ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं तो ये है क्रॉप्ट्रा और ये फ्लाइंग मैमल्स है इनके जो फोर लिम्स होते हैं यानी आगे के जो पैर होते हैं वो कहीं ना कहीं फ्लाइंग में काम आते हैं इनकी जो फ्लाइट उड़ान भरने के लिए काम आते हैं इनकी जो स्किन होती है पैटागम जिसे हम बोलते हैं ये कहीं ना फोल्ड हो सकती है एक तरीके की लचीली स्किन होती है ठीक है जो कहीं ना कि उड़ने में इनकी बहुत मदद करती है इनके जो हैंडलिम्स होते हैं वो थिन होते हैं और शॉर्ट होते हैं इनके ये नॉक्टरल होते हैं यानी जो ये जो ना एक्टिव होते हैं नाइट में खाली दिन में इनका जो विजन होता है बहुत कमज़ोर होता है इसलिए जो ना इको लोकेशन का यूज़ करते हैं जैसे कि जो वेल्स वगैरह होती है या फिर डॉल्फिन वगैरह होती हैं ये इको लोकेशन का यूज़ करती हैं ठीक है तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है बैट ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब कार्निवोर की बात करें तो ये फ्लैश कहीं ना कहीं खाया करते हैं फ्लैश यानी मांस वगैरह खाया करते हैं ठीक है चलिए इनके लार्ज पॉइंटिंग शार्प कैनाइन होते हैं अब ये कैनाइन क्या होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ठीक है जो कहीं ना कहीं फ्लैश को उखाड़ने में यानी खींचने में मदद करते हैं फिंगर्स इनके शार्प क्लॉक होते, होते हैं पंजा होते हैं ठीक है पंजे होते हैं जैसे कि लायन टाइगर कैट और डॉग ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ठीक है आगे हमारे आते हैं प्रीमेड्स जो हाईली डेवलप ब्रेन अगर जिनमें पाया जाता है तो वो यही है ठीक है जो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज भी रहे हमसे पहले ठीक है यही इवॉल्व हुए हैं और हम बने हैं ठीक है इनकी जो आइज़ होती हैं वो फॉरवर्ड होती हैं ठीक है थीके? आगे की साइड होती हैं बाइनोकुलर की तरह काम करती हैं ठीक है बाइनोकुलर यानी दूरबीन की तरह ठीक है इनकी जो नेक होती है वो मोबाइल होती है अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं ठीक है थीके? लिम्स इनके फाइव इन लिम्स में फाइव डिजिट होती हैं और फ्लैट नेल्स होते हैं चपटे जैसे कि हमारे हैं ठीक है थीके? इनका जो थम ऑफ द हैंड होता है वो ग्रेटर रहता है ठीक है अब यहाँ पर जो इनकी इनके अंदर दो जो है ना वो मेमोरी ग्लैंड होती हैं दो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं ठीक है जिसे हम ब्रेस बोलते हैं इनके एग्जांपल जैसे कि मंकी एप्स मैन ठीक है चलिए आगे चलें चलिए अब यहाँ पर आते हैं हमारे कैटेसिया ठीक है कैटेसिया की बात करें हम तो ये एक्वेटिक रहते हैं इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो फैडल का काम करते हैं जैसे कि ये ठीक है अब इनके अंदर नेक नहीं होती है इनकी नेक नहीं होती है ये कहीं कही ना कहीं लंग से भी लंग से ही सांस लेते हैं बेशक ये फिश की तरह दिखाई पड़ते हैं मगर ये लंग से ही सांस जैसे कि इनका एग्जाम्पल है वेल ठीक है ब्लू वेल, वेल वगैरह जितने भी होते हैं अब ये ऊपर आती हैं सांस लेने के लिए पानी छोड़ती होंगे अपने देखे होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे ही ये सांस लेती हैं ठीक है प्रोबोसिडा ठीक है तो ये इसमें होते हैं ये हार्वीवरस होते हैं और टेरेस्ट्रियल लेते हैं

यानी हाथी के दांत ठीक है तो ये ही जो इंसीजर होते हैं ना जो ओप, अपर जबड़े में रहते हैं उसी में उसी में कनेक्टेड होते हैं ठीक है थीके? तो इनका एग्जांपल है एलिफेंट ठीक है चलिए आगे आता आपका पड़ा हमारा उंगुल लाटा उंगु लाटा ठीक है चलिए ये भी ये हुफ एनिमल्स होते हैं सॉरी मैमल्स होते हैं ये देखिए हुफ इनके नीचे होते हैं हुफ ठीक है hoof, ये हरविवोर होते हैं यूजुअली डोमेस्टिकेटेड बाय मैन ठीक है डोमेस्टिकेटेड करा जा सकता है इनको पाला जा सकता है और इनमें जो ना जो मेमरी ग्लैंड होती है वो एब्डोमिनल में पाई जाती है यानी नीचे के साइड ठीक है विद टेस्टिस टेस्टिस भी वहीं होती हैं ठीक है ये डीप डियर काउ शीप वगैरह सब इसी में आते हैं उंगुल में मैमिलिया ठीक है चलिए तो आपका ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है खत्म हो चुका है ठीक है तो अगर आपके अब भी कोई क्वेरी रहती है तो डू नॉट गेट हेजिटेटेड बाय एनी आप जितनी जल्दी अपनी क्वेरी पूछेंगे तो उतनी जल्दी मैं आपको बता भी दूंगा तो इसीलिए यू हैव सो मैनी मीडियम्स टू कॉन्टैक्ट मी ठीक है सो इट इज़ नाउ अप टू यू टू आस्क योर क्वेरी ठीक है तो आप पूछ सकते हैं आई एम हियर जस्ट टू हेल्प यू ठीक है जस्ट टू यू नो ब्रिंग यू फ्रॉम द बैकवर्ड टू द फॉरवर्ड ठीक है तो यहाँ पर आप ही का रोल अब चालू हो जाता है तो चलिए आपसे फिर से मुलाकात होगी आपके दूसरे चैप्टर में सॉरी चौथे चैप्टर में ठीक है चलिए आपसे फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए विदा लेना तो चाहूँगा मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद